धर्म व्यक्ति के उत्थान उत्कर्ष और उन्नति का माध्यम है, लेकिन गलत हाथों में पड़कर धर्म की जो अधोगति हो रही है उसे अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वह एक व्यापार या बिजनेस बनता जा रहा है। भगवान से मिलाने का दावा करने वाले खुद भगवान बन बैठे हैं। भक्तगण इन्हीं तथाकथित भगवान के चरणों में श्रद्धावश अपना सर, अपना कीमती समय, संपत्ति और समर्थन समर्पित करते हैं। स्वयं का सत्यानाश हो भी जाए तो भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। क्या कारण है कि व्यक्ति बुद्धिमान होकर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि बुद्धू बनना पसंद करता है? तो आइए आज हम करते हैं पड़ताल इन्हीं बातों की, और हाँ, इनके साथ साथ एक खोजते हैं तरीका जिससे इनके ढोंग को पहचाना जा सके और स्वयं का बचाव किया जा सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत मुख्य कारणों में। सबसे पहला कारण यह है कि व्यक्ति के अपने दुख दर्द। व्यक्ति जब कोई दुखी होता है तो वह बिना अपनी अकल लगाए लोगों की किसी भी नसीहत को मानने के लिए तत्पर होता है। बाबा के दलाल लोगों के लिए ऐसे लोग ही आसान शिकार होते हैं, और फिर इन्हीं लोगों यानी दरिद्र, दुखी और दर्दी लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। इस भीड़ का भी एक अपना एक गणित है, और वो ये है कि भीड़ भीड़ को आकर्षित करती है और भीड़ सदैव उत्सुकता पैदा करती है। देखा भी होगा आपने, सड़क के किनारे जब भीड़ लगी होती है तो हम स्वयं भी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते और हम स्वयं भीड़ में शामिल हो जाते हैं, और इस तरह से भीड़ और बढ़ती जाती है। बढ़ती हुई भीड़ को देख करके और जमावड़े को देखकर या फिर समर्थकों के सैलाब को देख करके राजनेता लोग अपनी राजनीतिक आधार तलाशने के लिए वहाँ आ जाते हैं, और जब वहाँ आते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे बाबा तो बहुत ही पहुँची हुई हस्ती है क्योंकि इनके सामने बड़े बड़े लोग सर झुकाते हैं। जबकि बात यह है कि कोई भी राजनेता इनके चरणों में सर झुका करके न तो दीक्षा लेता है, न संन्यास्त होता है, न संसार छोड़ता है, न राजनीति छोड़ता है। वह अपना उल्लू सीधा करने आता है, फिर इन दोनों के आपसी निहित स्वार्थ की वजह से इन दोनों में आपस में गठजोड़ हो जाता है जिससे एक दूसरे के पूरक बनकर सहयोग करते हैं। ये वोट बैंक का माध्यम अपने समर्थकों को कहता है, और समर्थक भी गुरु की आज्ञा मान करके बिना जांच पड़ताल किए उस नेता को जिता देते हैं। इस तरह से ये गठजोड़ और प्रभाव भी लोगों को आकर्षित करने और न सोचने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद आती है बात आडंबर की। आडंबर के प्रति व्यक्तियों का या किसी भी मनुष्य का जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है, और इसी का इस्तेमाल करके बाबा अपनी बाबागिरी या अपनी दुकान अच्छे से चला पाते हैं। इसी आडंबर और मायाजाल रचने की वजह से बहुत सारे लोग इसी को देख करके या प्रभावित होकर के स्वयं में चले आते हैं और अपना दिमाग या अकल लगाना ठीक नहीं समझते। फिर बात अंत में आती है, वो ये है कि उसमें तो दिमाग काम भी नहीं करता, वो है चमत्कार। यानी कि चमत्कार सदैव दिमाग के दायरे के बाहर की बात है। तो ये चमत्कार दो तरह से घटित होते हैं, या तो बाबा लोग खुद मदारीगिरी या जादूगिरी करके कुछ चमत्कार पैदा करते हैं, या फिर अंधभक्तों की अटूट श्रद्धा या विश्वास की वजह से चमत्कार घटित होते हैं। क्योंकि चमत्कार का अपना भी एक गणित है, और वो यही है कि चमत्कार तब घटित होते हैं जब आपकी एक अटूट श्रद्धा होती है और आपको विश्वास होता है कि हाँ, ये तो होकर ही रहेगा। भक्त इस बात से अनजान होते हैं और वह अपनी साथ घटित होने वाले किसी भी चमत्कार का श्रेय उन तथाकथित बाबा लोगों को या गुरुजनों को दे देते हैं, जिसकी वजह से और कहानियां गढ़ी जाती है और उनके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत महसूस कम होती है या बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। अब इनके चंगुल में पहले व्यक्ति खुद फंसता है, फिर परिवार के परिजन, फिर उसके प्रियजन, इन सब को लेकर आता है। जब कभी उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी बेटी या बहू के साथ कुछ अनहोनी घटित हो या फिर इस बाबा के हवस का शिकार होती है, तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती, और अगर उसकी आंखें खुलती है तो जुबान नहीं खुलती, और जुबान खुल जाए तो
तो धर्म का हवाला दे करके या धन दे करके या धमकी दे करके उसे चुप करा लिया जाता है। जब तक लौटता है तब तक काफ़ी कुछ लुटा चुका होता है। इसलिए इन बाबाओं से बचने का क्या है तरीका? एक तरीका है और वह है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। कैसे? इनकी कथनी और करनी में जहाँ भी भेद पाते हो वहाँ समझ लीजिए कि यह एक ढोंग ही रचा जा रहा है या ढोंगी है। कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति जो आपको संयम की शिक्षा देता है लेकिन स्वयं कामी और क्रोधी है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वह अवगुणों से लेस है, मानवीय दुर्बलता उस पर हावी है और इन मानवीय दुर्बलताओं की वजह से वह स्वयं भी गर्त में गिरेगा और आपको भी गर्त में गिराएगा। तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है कथनी और करनी में जब भी भेद पाओ तब उनसे किनारा करना ठीक रहेगा। दूसरी बात, जब आप एक मटकी तक भी जांच परख के लेते हैं, ठोक पीट के लेते हैं, तो फिर गुरु जिन पर पूरा जीवन आधारित होता है उनको जांच परखने में आप संकोच क्यों करते हैं? आपको कथनी करनी में भेद के अलावा शक या संदेह से शुरुआत करनी होगी। ये गुरु ऐसे क्यों नहीं हो सकते, ये गुरु ऐसे हो सकते हैं, मुझे पर्याप्त जांच या जानकारी जुटाने के बाद में ही गुरु करना ठीक रहेगा। फिर बात आती है कि अगर कभी आरोप लग जाए तो हम आरोपी के विरुद्ध में खड़े न होकर के पूरी जांच पड़ताल करके उसकी सत्यता को जानकर ही फिर फैसला लेना चाहिए कि किन के साथ में खड़ा होना है। अगर गुरु गलत है तो आरोप लगाने वाले के साथ देना सदैव ठीक माना जाएगा, तभी इनकी पोल पट्टी खुलेगी और दूसरों का भी भला होगा। आज का मेरा वीडियो इसी बात पर था। यहाँ जरूरी नहीं कि आप मेरे विचारों से सहमत हो, ये तरीका जो कथनी और करनी में भेद वाला है ये श्रेष्ठ तरीका है और एक बुद्धिमान व्यक्ति इसी तरीके का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के असलियत को जान सकता है। तो इसी के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करके अपने विचार भी अवश्य ही रखें। और हाँ, एक बात और, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी करना शेष है तो कर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।